ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं पल्सेस। पल्सेस में हमने कल डिस्कस किया था, कौन सा प्लांट डिस्कस किया था कल? चिकपी मैम, ग्रैम। ओके, तो चिकपी हमने कल डिस्कस किया था, तो उसका ओरिजिन कहाँ से था? साउथ वेस्ट एशिया, तो नेटिव ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। नेटिव ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। एंड कैसा प्लांट था ये? हर्ब प्लांट। और रबी क्रॉप था या खरीफ क्रॉप? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ यूजेस इसके देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आता है आपका गार्डन पी पाइजम सेटाइवम, ठीक है। तो बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? पाइजम सेटाइवम एंड आल्सो नोन एज मटर एंड पी प्लांट। तो मेंडल ने इस प्लांट का यूज किया था फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्यों इसका यूज किया था कि ध्यान है किसी को? मेंडल ने पाइजम प्लांट का यूज क्यों किया था? कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स थे इसके अंदर प्रेजेंट थे, क्या क्या करेक्टर्स थे वो? एनी आइडिया? मैम लेंथ डिफरेंस था, पॉड कलर, पॉड शेप, काफी सेवन करेक्टर्स थे उसके अंदर, यूनिक सेवन करेक्टर्स प्रेजेंट थे। और फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, प्लांट पोजीशन, शेप, तो ये नेटिव कहाँ का है? इज नेटिव ऑफ वेस्ट एशिया और साउथ यूरोप, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ये नेटिव है वेस्ट एशिया से, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया इन द यूरोप, ईस्ट इंडिया, तिब्बत एंड चाइना के अंदर। प्लांट को कल्टिवेट किया जा रहा है फ्रॉम द एंशियंट टाइम एंड इन द ग्रीक एंड फ्रॉम बाय द ग्रीक पीपल्स एंड रोमानियन पीपल जो थे उनके द्वारा फ्रॉम द 7000 BC। एंड द पी प्लांट आर नाउ वाइडली कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ यूरोप, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ वेस्ट अमेरिका। इंडिया में हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ कल्टिवेटेड होता है? इन द स्टेट ऑफ UP, बिहार, MP, महाराष्ट्र एंड, ठीक है। एंड यूपी जो है वो मेन ग्रोअर स्टेट है, मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पी प्लांट का यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो करता है। कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं जो कि ये लखनऊ, बोनिया, अलास्का, लिटिल मार्वेल, विक्टोरिया, जलका एंड बिग बेन एक्सेट्रा। तो ये पी प्लांट की कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं जो हम कल्टिवेशन के लिए यूज करते हैं। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में हम देखें तो ये कैसे एक हब, क्लाइंबिंग हब की फॉर्म में, ट्रेलिंग और क्लाइंबिंग हब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लीव्स कैसी होंगी? ये लीव्स हैं इसकी पाइनेटली कंपाउंड लीव्स विद 3 pair ऑफ लीफलेट, मीन्स हर एक पेयर में 3 pairs ऑफ लीफलेट में ये लीफ अरेंज होती हैं। टर्मिनल लीफलेट्स मॉडिफाई होंगी ब्रांच टेंड्रिल्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये इनके एपिकल पोर्शन से हम देख रहे हैं तो ये कहाँ कैसे मॉडिफाई करती है अपने आप को? इन दी फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स, ठीक है। लार्ज फोलिसियस स्टैपल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एक्जिल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के एक्सिस पे, एंड वाइट एंड पिंकिश फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द एक्जिम साइम इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसी हो जाएगी इनके अंदर? एक्जिलरी साइम इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स का कलर कैसा होगा? वाइट और पिंकिश कलर, ठीक है। फ्रूट्स कैसे होंगे? लॉन्ग स्वोलन पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हर एक पोर्ट कंटेन करता है 4 to 10 नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है। सीड्स ग्लोबोस, स्मूथ और रिंकल्ड भी हो सकते हैं। एंड यंग सीड्स कैसे यंग होंगे? तब उनका कलर होगा ब्राइट ग्रीन। कम्प्लीटली राइपन्ड हो जाते हैं तो ये इस कलर में चेंज हो जाते हैं, डल ग्रीन, ओके। नेक्स्ट आता है इसका कल्टिवेशन। कल्टीवेशन जब हम इसका डिस्कस करते हैं तो कल्टी एज ए विंटर क्रॉप,
तो इसको कल्टिवेट किया जाता है विंटर सीजन में एंड समर क्रॉप एज इन हिल। देखो डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट इनको कल्टिवेट किया जाता है। जैसे कि प्लेन्स, जो प्लेन रीजन है वहाँ पे इसको एज ए विंटर क्रॉप ग्रो करते हैं, जबकि हिली रीजन में इसको एज ए समर क्रॉप ग्रो करते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर होगा इसको 13-18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और जब हम इसके लिए सॉइल की बात करें तो लाइट सैंडी टू हैवी क्ले सॉइल रिक्वायर्ड होती है, जो कि अच्छी रहती है पी प्लांट के लिए। सीड्स को जब हम शोन करेंगे तो इन द वेल मैन्योर फील्ड एंड और जो फील्ड मैन्योर किया जाना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है। क्रॉप मैच्योर हो जाती है विद इन द 5-6 मंथ एंड पॉड्स आर हैंड पिक फ्रॉम द टाइम टू टाइम ड्राइड। फिर उन पॉड्स को ड्राई करेंगे, देन सीड को सेपरेट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग मशीन या थ्रेशिंग प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। तो कल्टिवेशन प्लेन्स में एज ए विंटर क्रॉप ग्रो करते हैं हम इसको, और समर में समर क्रॉप इन हिली रीजन। टेम्परेचर 13-18 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होगा, ओके। और जब सॉइल की बात करें तो लाइट सैंडी टू हैवी क्ले सॉइल रिक्वायर्ड होती है। पल्सेस प्रोटीन में रिच होती हैं, ठीक है। जो वेजिटेरियन पीपल हैं या नॉन वेजिटेरियन पीपल्स के द्वारा उसको एज ए प्रोटीन सोर्स की फॉर्म में पल्सेस को मोस्टली कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद कुछ यूजेस आते हैं इनके प्लांट के, ठीक है। यूजेस में हम देखें तो फर्स्टली एज ए फूड यूज कर सकते हैं फॉर एज ए फोडर एंड आल्सो इंक्रीज द हेल्प नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड मेडिसिनल व्यूज भी देखा जाता है। जो ऑयल ऑप्टेन होता है इसके कोटिलेडन पार्ट से वो यूज होता है फार्मेक्यूटिकल प्रोसेस में। तो इन फार्मेसी में भी जो इसका सीड से ऑयल ऑप्टेन होता है वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो फूड की फॉर्म में हम देखें तो ग्रीन और ड्राई पार्ट, ड्राई सीड दोनों को ही हम कंज्यूम कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कुक्ड वेजिटेबल, ठीक है। एंड द सीड्स ऑफ पी आल्सो मार्केटेड एज कैन फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ये हमें फ्राइड फॉर्म में, फ्रोजन और डिहाइड्रेटेड फूड की फॉर्म में भी हैं, इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। एंड द सीड्स आर यूज्ड इन दी मैनी रेसिपी एंड विद अदर वेजिटेबल्स। फोडर और द एनिमल फोडर कैसे यूज होते हैं, ये ग्रीन पोड्स जब उसके सीड पार्ट को रिमूव कर लिया जाता है, आफ्टर जो ग्रीन पोड्स जो होते हैं इनकी पोड से सीड को निकाल लिया जाता है तो जो उसका छिलका बच जाता है वो एनिमल्स के थ्रू ईटन किया जा सकता है। एंड द पी स्ट्रो आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड न्यूट्रिशियस एनिमल फीड, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट पिजन पी जिसे हम कोंगो पी भी बोलते हैं, बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैजेनस कैजन फैमिली, इसकी भी फेबेसी होगी और लेग्यूमिनेसी ही भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड हिंदी नेम, कॉमन नेम जो होता है हरहर प्लांट एंड प्लांट पार्ट जो यूज होता है एज ए फूड इज सीड, ठीक है। तो पिजन पी ग्रो होता है, ये कहाँ का नेटिव हो गया, अफ्रीका रीजन का, इन द नेटिव वो टू अफ्रीका एंड कल्टिवेटेड इन इजिप्ट। अफ्रीका कंटिनेंट में भी स्पेसिफिकली कहाँ पे फर्स्ट टाइम कल्टिवेट किया गया था, ये इजिप्ट कंट्री के अंदर, ठीक है, बिफोर 2200 BC एंड नाउ कल्टिवेटेड इन द ऑल ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट ग्रोवर्स। सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ये अफ्रीका में हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। इंडिया में ये कल्टिवेट किया जाएगा इन यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटी जब हम बात करें इनकी तो ये हो जाती हैं RG72, 434, 476 एंड बीजापुर 49, ठीक है। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, ये इसके पोर्ट्स शो करके पिजन पी की हर एक पोर्ट में कितने 3-10 सीड्स फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेम सही होगा दोनों का डिस्क्रिप्शन भी है जब हम देखें तो, प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड एनुअल शब की होता है ये,
जो पिजन पी है वो शब की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जबकि अभी हमने देखा है गार्डन पी वो कैसा था, टेंड्रिल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टेंड्रिल्स, ठीक है। एंड लीव्स के अंदर भी कैसी पाइनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होंगी एंड ट्राईफोलिएट फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, सम स्टाइपुलेट लीव्स के अंदर स्टाइपुलेट भी प्रेजेंट होंगी, फ्लावर्स येलो पर्पलिश पिंक होगा और एक्जिलरी कोरिम्बोज रेसिन्स इन्फोसेंस प्रेजेंट होगी। पोड्स के अंदर 5 to 10 सीड्स प्रेजेंट होंगे और कैसे कंस्ट्रक्टेड होंगे, ये ऑब्लिकली सीड डार्क ब्राउनिश रेड एंड वाइट इनसाइड द सीड को। तो उसके बाद कल्टीवेशन आता है इसका, कल्टीवेशन एज ये इसको रिमार्केबली यूज किया जाता है एज ए ड्रफ्ट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड आल्सो फ्लरिश वेल इन 60 less than 65 centimeter रेनफॉल एंड कैन बी रेज्ड इन रेन फेड एरियाज सैंडी और क्ले सोइल। तो इसके लिए इसको कौन सी सोइल अच्छी रहती है, सैंडी एंड क्ले लोमी सोइल, ठीक है। इसको एज ए मिक्सड क्रॉप भी यूज कर सकते हैं विद द सीरियल्स एंड सीड आर शोन इन द जून टू जुलाई इन द रोज, रोज की फॉर्म में, रोज में ऐसे जैसे ये प्लांट विद सम डिस्टेंस इनको ग्रो किया जाता है। ये प्लांट मैच्योर हो जाता है विद इन द 6 to 10 months एंड द मैच्योर पॉड्स आर हैंड पिक फ्रॉम टाइम टू टाइम। फाइनल हार्वेस्टिंग जनवरी से मार्च के अंदर हो जाती है जब लीव्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। एट मैच्योरिटी पॉड्स ऑफ पिजन पी डू नॉट शेल्टर देयर सीड्स एंड प्रॉपर थ्रेशिंग मशीन के थ्रू इनको सीड्स को सेपरेट कर लिया जाएगा फ्रॉम द हस्क एंड विनोइंग, कुछ विनोइंग मशीन विनोइंग प्रोसीजर के थ्रू सीड और सीड से जो हस्क पार्ट है उसको रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे ही होती है पल्सेस की, जो पल्स हमें इस प्लांट से मिलती है पिजन पी, कौन सी पल्स, अरहर, ठीक है। तो आर नोट कंज्यूम्ड विद सीड कोट, सीड कोट के साथ कंज्यूम नहीं किया जाता इनको, क्योंकि जो इनकी सीड कोट जो होती है वो हार्ड होती है और इनडाइजेस्टिबल होती है आफ्टर इवन आफ्टर कुकिंग, कुकिंग पकाने के बाद भी जो इसकी सीड कोट है वो हार्ड ही रहती है, तो इसको आफ्टर रिमूविंग देयर हार्ड कोट इनको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। द पल्स इज प्रिपेयर्ड बाई रिमूविंग सीड कोट एंड स्प्लिटिंग इन टू हाफ्स, दैट इज टू कॉटिलेडोन्स जो होते हैं इनको टू हाफ्स में डिवाइड करके और जो सीड कोट की कवरिंग है उसको रिमूव करके फाइनली कंज्यूम किया जाता है। बोथ वेट एंड ड्राई मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है इनकी पल्सेस को। फर्स्टली सीड को क्या करेंगे, शॉक सुखा लेंगे कितने दिनों के लिए, वाटर शॉक्ड भिगोइंग, फर्स्टली सीड्स को शॉक करेंगे इन द वाटर फॉर 6 to 10 hours देन हीटेड विद ऑयल। उसके बाद ड्राई करेंगे इन द सन फॉर 2 to 3 days और उसके बाद मिलिंग माइल्ड मिलिंग प्रोसीजर के थ्रू हमें पल्स मिल जाती है, पल्सेस जो हैं वो मिल जाती है। अनसेपरेटेड सीड को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द मील एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड 3 to 4 times जब तक सारे सीड्स स्प्लिट ना हो जाए टू हाफ्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को स्प्लिट प्रोसीड करते रहते हैं बार बार। तो क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं, फर्स्टली जो इसकी सीड कोट को रिमूव करेंगे, सीड कोट को कैसे रिमूव करेंगे, इसको वाटर के अंदर भिगो के रख देंगे फॉर 6 to 10 hours देन ड्राई करेंगे इन द सनलाइट के अंदर और उसके बाद मिलिंग के अंदर मिल्ड स्टोर करके रख लिया जाएगा, ठीक है। एंड द पल्सेस देन प्रिपेयर्ड इज ग्रेडेड एंड स्टोर्ड एंड मार्केटेड। यूजेस में न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इनके अंदर, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 22%, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे 3.5, फैट प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर 2 main important प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि है कैगेनिन एंड कोनकैजिनिन, ठीक है। एंड द सीड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट आल्सो यूज्ड वेरियसली एज ए फूड यूज करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग फॉर्म में और ईटिंग विद
स्टार्च फूड, कैटल फीड की फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं ये ग्रीन लीव्स जो होती हैं इस प्लांट की। ग्रीन मैन्योर एज ए एक्सीलेंट फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी यूज होता है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं इस प्लांट की मिक्स करते हैं सॉइल के अंदर और वो क्या प्रोवाइड करती हैं, एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर। इंडस्ट्रियल यूज भी देखते हैं हम इनका, जो ड्राइड स्टॉक है उनको हम यूज करते हैं एज ए फॉर मेकिंग बास्केट एंड फ्यूल। मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं कुछ, अप्लाइड ऑन शोर, शोर्स क्या होते हैं SORES, क्या होता है सोर्स, क्या होता है सोर्स SORE, बोलो अप्लाइड ऑन सोर्स, सोर्स होते हैं बाउंड, जो घाव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो पल्सेस हैं वो यूजफुल होते हैं जॉन्डिक्स, इसे हम क्या बोलते हैं पीलिया, जो पीलिया रोग हो जाता है जॉन्डिक्स, ठीक है। जो लीफ डिकॉक्शन है वो भी यूज करते हैं हम फॉर द स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन जब होने लग जाती है तो इसका जो लीफ से एक कुछ पेस्ट तैयार करते हैं हम लीफ डिकॉक्शन, जो यूज़ होता है फॉर स्किन इरिटेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। एंड फ्लोरल डिकॉक्शन इज यूज इन ब्रोंकाइटिस, कफ एंड निमोनिया। ये टू प्लांट्स हमने डिस्कस किए, टू पल्सिस प्लांट, फर्स्ट था पाइजम सेटाइवम, इसका ओरिजिन था वेस्ट एशिया से, देन यूरोप से ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड कर गया। और जो ये प्रेजेंट होता पी जो प्लांट है गार्डन की, सॉरी जो मटर प्लांट है वो कंड्रील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि जो पीजन पी है वो इन दी फॉर्म ऑफ शब, एनुअल शब की फॉर्म में, ब्रांच एनुअल शब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ यूजेस हमने इसके डिस्कस किए,